घायल हुए हैं। तो घायलों को कांडा और पालमपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पालमपुर के परौर में बस दुर्घटना हुई है और हादसे में लगभग 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी जो है हादसे घटनास्थल की वो सामने आई है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। अनूप दीवान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कब और कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये आज सुबह की घटना है अंजलि, और ये बस जो है वो सुजानपुर से अमृतसर एक बारात लेकर के जा रही थी, और सवेरे सवेरे जो है क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो एकदम से मोड़ पे बस जो है वो स्किड कर गई और वो नीचे पलट गई और नीचे जो है वो पेड़ के साथ टकरा के रुक गई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन फिर भी 12 से 15 लोग जो है वो इस हादसे में घायल हुए हैं। जो घायल है उनको पालमपुर और जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहां शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी और सारे बचाव कार्य देख रही थी। सभी लोगों को जो है वो शिफ्ट किया गया है, और बाकी जो लगभग 35 से 40 लोग गाड़ी में थे बाकी सभी सुरक्षित हैं। लेकिन एक बड़ी घटना दुर्घटना जो है वो घटने से बच गई है। अगर पेड़ से बस ना टकराती तो ये और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ में एक और इसी के बिल्कुल 15 से 20 मीटर की दूरी पर एक और हादसा हुआ है। जो वोल्वो बस थी जो दिल्ली से पालमपुर आ रही थी, लेकिन उसमें बड़ी बात ये रही कि उसमें किसी के भी हताहत होने के समाचार नहीं है, वो भी सड़क से नीचे उतर गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप दीवान इस तमाम जानकारी के लिए। ये दो हादसों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनूप दीवान। और बता दें कि गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर जरूर टल गया है। पालमपुर के परौर में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और गनीमत रही कि जो यात्री थे वो सुरक्षित हैं। घायल कुछ यात्री जरूर हुए हैं, जिन्हें घायलों को टांडा और पालमपुर के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। तो फिलहाल हादसे में लगभग 15 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसा इतना बड़ा नहीं था। पेड़ किससे टकराने की वजह से जो बस थी वो एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जो रास्ता था उसमें ये जो बस थी वो स्लिप कर गई, जिसकी वजह से बस जो थी वो उसका संतुलन बिगड़ गया और एक पेड़ से जा टकराई ये बस। हालांकि बता दें आपको कि बस में सवार जो यात्री हैं वो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और जो घायल यात्री हैं वो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो घायलों को टांडा और पालमपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि पालमपुर के परौर में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई ज़्यादा किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। 15 लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं। घायलों को टांडा और पालमपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।